रेकी हीलिंग सिस्टम में बहुत अलग अलग तरीके के हीलिंग सिस्टम जो रेकी के नाम से शुरू होता है ये प्रचलित है, और ये सभी किस्म के रेकी अलग अलग तरीके से काम करता भी है। लेकिन दो खास किस्म की रेकी हीलिंग सिस्टम के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, वो है उसुई रेकी और करुणा रेकी। सो इन दो रेकी हीलिंग सिस्टम में क्या फ़र्क है और उससे आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हो, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरा नाम डॉक्टर पूरन शर्मा है और मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर, माइंड ट्रेनर और होलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच हूँ, और पिछले 21 सालों से मैं रेकी एंड माइंड पावर पे काम कर रहा हूँ। सो मेनली मैं उसी रेकी पर काम कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ में करुणा रेकी पर भी मैंने काम करके देखा है और पाया है कि इसकी भी एनर्जी बहुत अच्छी है और ये कई मामलों में बहुत फायदेमंद है। सो सबसे पहले मैं आपको उसी रेकी हीलिंग सिस्टम के बारे में बताता हूँ, और ये उसुई रेकी हीलिंग सिस्टम डॉक्टर मकाओ उसुई ने आज से कुछ 100 साल पहले इसकी पुनः खोज की। और पुनः खोज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि खोजा तो पहले ही गया था, हीलिंग हम कर सकते हैं ये हमें पता है, सनातनी हमारा परंपरा है और यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग धरती पर आए हैं जिसे हम भगवान, अवतार, महापुरुष, संत कहते रहे हैं, और ये लोग अलग अलग तरीके से हीलिंग करते रहे हैं ये हमें पता चला है। हमने बहुत सारे स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं, हम उन्हें भगवान मानते हैं, अवतार मानते हैं। आप चाहें तो भगवान राम को ले लीजिए, भगवान श्री कृष्ण को ले लीजिए, भगवान बुद्ध को ले लीजिए, या फिर बाद में अगर हम दुनिया में देखेंगे तो जीसस क्राइस्ट को देखिए जो इस धरती पे आए, ईश्वर या गॉड भगवान कहलाएं, और वो भी हीलिंग करते थे, किसी को छूते थे तो वो ठीक होने लगते थे। ऐसे ही भगवान बुद्ध ने भी बहुत सारी हीलिंग की। हमने देखा कि भगवान राम भी किसी को स्पर्श करते थे तो उनका पूरा भला हो जाता था। ऐसे ही श्री कृष्ण ने भी कई लोगों की हीलिंग की है। सो ये जो हीलिंग है, हीलिंग का मतलब ये नहीं कि आप हाथ रख के हीलिंग कर रहे हो तो उसे हीलिंग कहते हैं। हीलिंग का मतलब है कि आपके स्पर्श से, आपके सामने रहने से, आपके किसी के पास जाने से उसका भला हो जाए, आपकी एनर्जी से, मैं उसको हीलिंग बोलता हूँ, इसी को हीलिंग मानता हूँ। ओके, सो ऐसे हीलिंग होते रहे हैं और ये सब लोग हीलिंग ही कर रहे थे, जिसका मतलब है कि रेकी तो हम पहले से ही जानते हैं हजारों साल से, लेकिन डॉक्टर मकाओ उसुई ने इस खास किस्म की हीलिंग टेक्निक की शुरुआत की और ये कहा कि हर साधारण इंसान हीलिंग कर सकता है। अदरवाइज पहले क्या हो रहा था, पहले हम ये मानते थे कि सिर्फ ये भगवान कर पाएंगे, जैसे कि भगवान बुद्ध अगर हीलिंग कर रहे हैं या फिर ईसा मसीह हीलिंग कर रहे हैं तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि हम भी हीलिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये तो वो कर पा रहे हैं क्योंकि वो भगवान हैं। तो ऐसे सोच की वजह से साधारण इंसान न ये सोच पाए कि वो सीख सकते हैं, न वो उनको कभी सिखाया गया। लेकिन डॉक्टर मकाओ उसुई ने इसको हर साधारण इंसान तक पहुंचाया, इसीलिए हम कहते हैं उन्होंने पुनः खोज की और फिर हमने इस हीलिंग सिस्टम को प्रैक्टिस करना शुरू किया। ये पर्टिकुलर सिस्टम जब घूम के यूरोप से, एशिया से होते हुए जब भारत में आया तो यहाँ पे 5 अलग अलग किस्म के लेवल के रेकी सिखाए जाने लगा। सो मैं जब एज अ रेकी ग्रैंड मास्टर रेकी सिखाता हूँ तो मैं 5 लेवल्स सिखाता हूँ। ओके, रेकी लेवल 1 जो उसी रेकी लेवल 1 है, इसमें स्पर्श चिकित्सा या टच हीलिंग सिखाया जाता है। रेकी लेवल 2 में सिखाया जाता है कि आप कैसे दूर बैठे लोगों को भी प्रभावित कर सकते हो, हीलिंग कर सकते हो, और उसमें मैं 3 अलग अलग सिंबल्स देता हूँ और काइंड ऑफ अ टूल है जो आपको इजी बना देता है। पहला चौकोरे, जिसे आप प्यूरिफाई कर सकते हैं, अपने पावर को इमीडिएटली बढ़ा सकते हैं, सुरक्षा ले सकते हैं। दूसरा जो है वो है सेहे की, वो बैलेंस करता है, वो हर तरीके के बैलेंसिंग, आपके अंदर के टॉक्सिन्स को बैलेंस कर देगा, आपके अंदर के केमिकल्स को बैलेंस करेगा, आपके माइंड को बैलेंस करेगा, आपके चक्रों को बैलेंस करेगा। सो बैलेंसिंग। ओके, नंबर 3 हौंसा जेसो नैन, ये एक कनेक्टिंग ब्रिज का काम करता है कि आपको किसी भी इंसान से कनेक्ट करें, किसी भी जानवर से, किसी भी पौधे से, किसी
किसी भी जगह से, परिस्थिति से कनेक्ट किया जा सकता है और आप इमीडिएटली इंस्टेंटली कनेक्ट करके उसे हीलिंग भेज सकते हो और उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ठीक होते हुए आप देख पाते हो। तो ये हॉर्न सजेशन से डिस्टेंस हीलिंग होता है, ये सेकेंड लेवल में सिखाया जाता है, ये सेकेंड लेवल है। फिर थर्ड लेवल में और हायर टेक्निक सिखाया जाता है, थर्ड आई एक्टिवेशन होता है, आपकी साइकिक एबिलिटीज बढ़ती है, आप साइकिक सर्जरी कर पाते हो, साइकिक अटैक रिमूव कर पाते हो, और भी कई सारी टेक्निक सिखाई जाती है, चक्र बैलेंसिंग कैसे होता है और प्लस क्रिस्टल हीलिंग सिखाया जाता है। इस पर्टिकुलर लेवल में जब थर्ड लेवल होता है तो आप तीन अलग अलग किस्म के मैग्नेट बनते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो पावर दिया जाता है, आपको ऐसी प्रैक्टिसेस कराई जाती है कि आप लव मैग्नेट बने, आप हीलिंग मैग्नेट बने, आप मनी मैग्नेट बने। तो ये थर्ड लेवल एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेस होता है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो है, नेक्स्ट लेवल उसमें मास्टर सिखाया जाता है, मास्टर लेवल टीचर लेवल होता है, जिसमें आप स्वयं मास्टर बनते हैं, आप दूसरों को अटूनमेंट दे सकते हो, शक्तिपात दे सकते हो, फर्स्ट लेवल सेकेंड लेवल थर्ड लेवल के स्टूडेंट तैयार कर सकते हो। और उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल आता है रेकी ग्रैंड मास्टरशिप। सो अगर रेकी मास्टरशिप ग्रेजुएशन है तो ग्रैंड मास्टरशिप जो है पोस्ट ग्रेजुएशन कह सकते हैं, जहाँ पे आप हर एक लेवल के स्टूडेंट तैयार कर सकते हैं, अटूनमेंट दे सकते हैं। और इस पर्टिकुलर ग्रैंड मास्टरशिप में तीन खास किस्म की अटूनमेंट सिखाई जाती है, एक है विद्या शक्तिपात जो स्टूडेंट्स के लिए होता है, दूसरा मधुरम शक्तिपात और रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए, और तीसरा समृद्धि शक्तिपात वेल्थ कॉन्शियसनेस को एक्टिव करने के लिए। सो ये तीन तरीके का अटूनमेंट के अलावा खास अलग अलग टाइप के पावरफुल सिंबल्स भी इसमें दिया जाता है जो ग्रैंड मास्टर लेवल का होता है। और सबसे अच्छी बात, एक ग्रैंड मास्टर खुद अपना सिंबल तैयार कर सकता है, सिद्ध कर सकता है और अपने स्टूडेंट को दे सकता है, ऐसा मैं ग्रैंड मास्टरशिप में सिखाता हूँ। ये पांच लेवल उसी रे की ग्रैंड मास्टरशिप है जिसमें आप हीलिंग करना सीखते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो, फिजिकल मेंटल इमोशनल स्पिरिचुअल फाइनेंशियल सब ठीक होता है, प्लस आप दूसरों के प्रॉब्लम भी सॉल्व करने लगते हो। लेकिन कई बार ऐसा पाया गया है, जो मेरी खुद की प्रैक्टिस में, मैं पिछले 21 सालों से ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, देखा गया है कि कई बार कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जो जिद्दी होता है, बहुत ही ज़्यादा स्टबन टाइप का होता है और उसका कोई कारण भी नहीं पता चलता और महीनों महीनों हीलिंग करके भी ठीक नहीं होता। तो ऐसे मामले में ये पाया गया है कि जब आप डीप रूटेड हीलिंग करें, पास्ट लाइफ इश्यूज को भी ठीक करें, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होने लगता है, बीमारियां दूर होने लगती हैं। तो ऐसे मामले में करुणा रेकी सिंबल्स काम आता है। अब आपको मैं करुणा रेकी के बारे में बताऊंगा। उसी रेकी क्लियर हो गया, नॉर्मल एक हीलिंग सिस्टम है जो बहुत पावरफुली काम करता है, हर तरीके का हीलिंग करने लायक है, अपनी करो दूसरों की करो सब तरीके से काम करता है, लेकिन कुछ मामलों में अगर काम नहीं कर रहा है तो करुणा रेकी का वो सिंबल्स और पावर काम आता है। ये जैसे डॉक्टर मकाओ उसुई ने करुणा उसुई रेकी को शुरू किया, उसी तरीके से करुणा रेकी को मिस्टर विलियम ली रैंड ने शुरू किया है, वहां से शुरुआत होती है। और चूंकि करुणा का मतलब ही होता है दया प्रेम भाव, तो ये जो करुणा है ये आपके अंदर एक कंपैशन क्रिएट करता है, एक अलग टाइप का लविंग एनर्जी क्रिएट करता है जो बहुत ही जेंटल होता है। और चूंकि इसमें अलग अलग सिंबल्स होते हैं जो बहुत ही अलग टाइप की फ्रीक्वेंसी का होता है, जैसे उसी रेकी में चौकोरे से ही की हॉन सजेशन है, ये एक अलग फ्रीक्वेंसी की एनर्जी है, उसी तरीके से करुणा रेकी में भी अलग अलग सिंबल्स है। जैसे करुणा रेकी लेवल वन में चार सिंबल्स सिखाए जाते हैं, फर्स्ट इज जोनार सिंबल, हालू, हार्थ और रामा। ऐसे ही सेकंड लेवल है, सेकंड लेवल में आपको सिखाया जाता है नोसा, क्रिया, इयावा और शांति। तो ये आठ सिंबल्स हैं, चार सिंबल रेकी करुणा रेकी लेवल वन में, चार सिंबल्स करुणा रेकी लेवल टू में सिखाया जाता है, और ये आठों सिंबल्स के अलग अलग पर्पजेस हैं, अलग अलग इसके काम हैं जो ये बेनिफिट देता है आपको हीलिंग में।
जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक मैं आपको बताऊंगा, जोनार सिंबल। ओके, जोनार सिंबल जो करुणा रेखी का है, ये पास्ट लाइफ इश्यूज को डील करता है, चाइल्ड अब्यूज को, बचपन में होने वाली कुछ ऐसी घटनाएं जो कई बार लड़का हो या लड़की नहीं बता पाते हैं। ओके, उनके साथ कोई ऐसी घटना घटी हो, कोई चाइल्ड अब्यूज हुआ हो, ना वो खुद के लिए उनको अच्छा लग रहा होता है, ना वो दूसरों को बताते हैं उसको, और ये चीज उनके बड़े होने पर उनके अपने बिहेवियर में बहुत फर्क पड़ता है। वो बहुत लो कॉन्फिडेंस में होते हैं, हमेशा इनसिक्योर होते हैं, डरे डरे रहते हैं, और उनके रिलेशनशिप में ये बहुत रिफ्लेक्ट होता है। तो ये जब इस टाइप की प्रॉब्लम्स होती है तो वहां पे करुणा रेखी के सिंबल से हीलिंग करने से उनके पास्ट में हुए उनके साथ जो भी नेगेटिविटी है, जो उनके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम्ड है, वो हील होने लगता है। So any kind of a problem which has got a connection with that person's past life से जुड़ा हो, चाहे वो इसी जन्म का हो, 10 साल पुरानी, 20 साल पुरानी, 30 साल पुरानी बात हो, जो शायद याद भी ना हो, लेकिन वो सबकॉन्शियस लेवल में है, इसीलिए वो आपकी प्रेजेंट लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा है, राइट? तो इसीलिए इस चीज़ को ठीक करना ज़रूरी है। और जब तक हमें नहीं पता कि ये कहाँ से शुरू हुआ है, हम सिंपल करुणा रेखी से उसे हील कर सकते हैं, ये सोच के कि उसके पास के जो भी घटनाएं हैं वो हील हो रहा हो, और जब वो हील होता है तो फिर प्रेजेंट लाइफ में वो ठीक होने लगता है, हील होने लगता है, तब जाके जो रिकवरी है, हीलिंग जो है, फास्टर हो जाती है। सो दोनों में हीलिंग हो रहा है, लेकिन कई बार कुछ सिस्टम में ये स्टबन होने की वजह से, पास लाइफ की कनेक्शन होने की वजह से हील कई बार होने में टाइम लेता है, करुणा रेखी उसको स्पीड अप करके जल्दी ठीक कर लेता है। ओके, सो कैसे हीलिंग करना है? नॉर्मल जैसे हम चौकुरे और सेहिकी को यूज करते हैं, जो हीलर्स हैं उन आपको पता होगा कि चौकुरे सेहिकी चौकुरे का सैंडविच बना के हम हीलिंग करते हैं, ऐसे ही करुणा रेखी में भी हम उस जोनार सिंबल को लेके हीलिंग कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मैं उसवी रेखी प्रैक्टिशनर हूं, तो मैं अपने माइंड को बैलेंस करने के लिए चौकुरे बनाता हूं, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, सेहिकी बैलेंस बैलेंस बैलेंस, और चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चार चार चार्ज, ये मैंने सैंडविच बनाया और मैं आराम से हाथ रख के हीलिंग कर सकता हूं, और इससे मेरा माइंड बैलेंस होने लगेगा और मेरी जो भी एंजाइटी है, थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है, सर में दर्द है, ठीक होने लगेगा और मैं बेटर फील करूंगा। मेरा जो नजर है, मेरी जो दृष्टि है, मेरा जो पावर है, वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। ओके, तो ये हीलिंग होता है जो हमने ब्रेन की हीलिंग की और थर्ड आई की हीलिंग की। दूसरी तरफ जब हम करुणा रेखी के सिंबल को यूज करते हैं, जोनार से करना है, पास्ट लाइफ इश्यू को ठीक करना है, तो हम मेनली दो पॉइंट पे हीलिंग करते हैं, एक तो थर्ड आई है और दूसरा है रूट चक्र, मूलाधार चक्र। तो मूलाधार चक्र पे, मान लीजिए कि मूलाधार चक्र पे आप हाथ रख रहे हो, अपने टांगों के बीच में जो जोड़ है वहां पे हाथ रख के हीलिंग कर रहे हो, तो एक हाथ को आपने वहां रखना है, दूसरे हाथ से आप चौकुरे बनाना है, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, जोनार जोनार जोनार, चार चार चार्ज, और चौकुरे चौकुरे चौकुरे, हील 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 बोल के आप आराम से हाथ रख के रूट चक्र पे हीलिंग कर सकते हो, जिससे कि वो पर्टिकुलर स्टबन प्रॉब्लम जो बहुत ही डीप रूटेड है, जो पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, ठीक होने लगेगा, क्योंकि जोनार पास्ट लाइफ इश्यूज को ठीक करता है, हील करता है। इसी तरीके से सेम हीलिंग आप अपने थर्ड आई में कर सकते हो, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, प्यूरिफाई प्यूरिफाई प्यूरिफाई, जोनार जोनार जोनार, हील हील हील, एंड चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चार्ज 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 करके आप पूरा यहाँ पे हीलिंग दे सकते हो। इन दो जगहों पर हीलिंग देने से पास्ट लाइफ इश्यूज हील होने लगते हैं। ऐसे ही और बाकी जो सात सिंबल्स हैं, इसके अलग अलग मायने हैं, अलग अलग इनके फंक्शंस हैं, लेकिन ये बहुत ही पावरफुली काम करता है, बहुत ही जेंटल एनर्जी है, लेकिन डीपली हील करता है, और इनके फ्रीक्वेंसी एनर्जी के अलग होती है, आपके ऊपर भी बहुत अलग टाइप का प्रभाव पड़ता है, और ये मेनली आपको हेल्प करता है आपको और ज़्यादा स्पिरिचुअल बनाने में, और ज़्यादा वाइज बनाने में, कहते हैं कि एनलाइटनमेंट तक आप इसको यूज कर सकते हो, तो ये बहुत ही पावरफुली काम करता है। सो ये हुआ दोनों के बीच में खास डिफरेंस, दोनों में ही आपको हीलिंग होगी, दोनों में ही आपको फायदा होगा, लेकिन कई बार कुछ डीप रूटेड प्रॉब्लम और पास्ट लाइफ इश्यूज होगा तो करुणा रेखी का इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं एक और खास
बात बता दूं, साइकिक सर्जरी हम थर्ड लेवल में सिखाते हैं, जैसे उसी रे की साइकिक सर्जरी सिस्टम से आप हीलिंग करते हैं, तो आप कई सारे ऐसे प्रॉब्लम जिसके लिए सर्जरी करना पड़े उसे अवॉइड कर सकते हैं और वो हील होता है। लेकिन कई बार वो रीअकर हो सकता है, जैसे किसी का मान लीजिए ट्यूमर निकाल दिया है और वो बाद में फिर से ट्यूमर रीअकर हुआ है, तो ऐसा मामला, इस टाइप के मामले में आप करुणा रे के सिंबल के साथ साइकिक सर्जरी करते हैं तो देखा गया है कि वो रीअकर नहीं करता। तो ये भी एक खास डिफरेंस है और ये भी एक यूज है कि करुणा रेकी का कैसे आप फायदा उठा सकते हैं। सो एज ए हीलर आप दोनों ही प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। मैं पहले उसी रेकी सिखाता हूँ जो थर्ड लेवल तक कर चुके हैं, उसको ही आगे करुणा रेकी सिखाता हूँ, क्योंकि करुणा रेकी का जो हीलिंग पावर्स हैं, जो सिंबल्स हैं, उसके अलग टाइप की फ्रीक्वेंसी है और जो इनिशियल लेवल पर किसी प्रैक्टिशनर को मैं नहीं देता। जब आप बहुत अच्छी हीलिंग कर चुके हैं, आपके पास एक्सपीरियंस होता है, तब जाके आप करुणा रेकी को प्रैक्टिस करो तो उसका आपको अच्छा फल मिलता है। और ये काइंड ऑफ उसके साथ ही किया जाता है, जैसे उसी रेकी हीलिंग सिस्टम किया हो तब जाके करुणा रेकी को भी आप अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाते हो, आपके अंदर सोख लगता है। सो आज के वीडियो में इतना ही, दोनों के बारे में मैंने आपको पूरी तरह से समझा दिया है, आपको जैसा आपको लगे वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी रेकी हीलर हैं तो आपको जैसा बताया गया उस टाइप से हीलिंग कर सकते हैं। अगर आप रेकी सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि मैं रेकी क्यों किस तरीके से सिखाता हूं, कैसे आप एक्सपीरियंस करते हो, तो आप मेरे साथ एक लाइव वर्कशॉप कर सकते हैं जो हर मंडे को मैं लाइव करता हूं। अगर आपको करना है तो नीचे दिए लिंक पर जाकर अभी रजिस्टर करें और नेक्स्ट मंडे को मैं आपको लाइव मिलता हूं। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच कि आपने ये वीडियो देखा। अगर आपको इस टाइप के और वीडियोस देखने हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस टाइप के आपको और वीडियो देखना है। थैंक यू सो मच एंड रेकी ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।